हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त होस्ट विजेंद्र मांडलिया और मेरी एक नई किताब आ रही है जिसका नाम है रिबूट ब्रेन्स। रिबूट ब्रेन्स मैंने इसलिए बनाया है कि मैंने देखा ज़िंदगी में लोग बहुत हैंग होते हैं। अरे ऐसे हैंग वैसे हैंग, अरे यार ज़िंदगी में जब कहाँ कुछ नया आया हैंग हो गए। तो मैंने सोचा लोगों को रिबूट करते हैं, उनके अंदर एक नई एनर्जी रिसेट करते हैं। जैसे हमने मोबाइल को रिबूट किया, मोबाइल अपने ओरिजिनल फंक्शंस पे आते हैं, तो उसे कैसे करते हैं वो हम जानते हैं। कैसे करते हैं लोग जानते हैं, मोटिवेशन स्पीकर के पास जाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सोचते बहुत है कि हाँ हम जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, खर्चा बहुत करेंगे अपनी लग्जरीज पे, लेकिन अपनी लर्निंग्स पे नहीं करेंगे। बस एक बार ग्रेजुएशन कर ली, अब हमें पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ाई तो अब चाहिए, आज चाहिए, रोज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन ज़िंदगी में आपके एक ईंधन का काम करती है और ईंधन तो रोज़ चाहिए। आप सोचिए कि आपने एक बार कार खरीद ली और उसके बाद आपने उसकी टंकी एक बार फुल कर ली, तो लाइफ टाइम वो कार चलेगी? चलेगी ना? नहीं चलेगी, जानते हैं। मतलब रोज़ ईंधन डालना पड़ेगा, रोज़ गाड़ी को चलाना पड़ेगा, रोज़ अपने डेस्टिनेशन के लिए गाड़ी को अपने साथ जाना होगा। तो इसीलिए मोटिवेशन जो होता है वो हर रोज़ के लिए होता है। इसलिए मैंने आपको आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक्चुअली एक चिंगारी है जो आपके अंदर डाली जाती है। इस चिंगारी से आपको अपने सपने पूरे करने हैं। वो कैसे करने हैं, उसके लिए आपको हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे। हर आदमी एक यूनिक है, हर यूनिक आदमी के अपने सपने हैं, किसी के नहीं भी होते हैं, लेकिन जिनके अपने सपने हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोटिवेशन को अपनी ज़िंदगी में कैसे डालना है। मैंने लोगों को पूछा अरे भगवान कहाँ है, तो कहते हैं मन में है। मैंने कहा जिस दिन आचरण में आ जाए उस दिन कह देना, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपके आचरण में नहीं आती वो सीखी हुई चीज़ आपके किसी काम की नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत मोटिवेशन वीडियो देखते, अरे इनका नाम बताया, उनका नाम, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर का नाम बताया, मुझे कहता अरे इसको सुन ले यार बहुत मस्त है, उसको सुन ले यार बहुत मस्त है। मैंने बोला तूने क्या कर लिया अपनी ज़िंदगी में भाई, तूने क्या कर लिया बता दे मुझे। तो मुझे कहता है मैंने क्या कर लिया, अरे मतलब क्या इतना था। मैंने बोला ठीक है, क्या याद है तुझे, बता क्या क्या सुना, अरे क्या क्या बता। अरे नहीं नहीं यार वो तो याद नहीं है, लेकिन सुना थे बहुत अच्छा है। मतलब क्या किया, कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं समय गवाया। और होता क्या है, मोटिवेशन जब भी आप कहीं भी किसी का भी सुनिए तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पहले अपना गोल सेट कीजिए कि आपको ये मोटिवेशन चाहिए क्यों। पहले वो गोल जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक ये क्यों क्यों चाहिए मोटिवेशन, सिर्फ आया बस पिक्चर कोई लगी है, आके देख ली, किसी ने आचार्य दो बात बता दी, अच्छी देख लिए, बाहर आए भूल गए। मोटिवेशन के गोल बनाइए सबसे पहले, क्योंकि मोटिवेशन को अपना टूल बनाइए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला तो वही है, मोटिवेट, मोटिवेट योर सेल्फ, इसे कल्टिवेट योर सेल्फ, एक्टिवेट योर सेल्फ। मोटिवेशन के बाद कल्टिवेट करना है, कल्टिवेट करने के बाद उस चीज़ को एक्टिवेट करना है। क्या मैंने कहा आपने सुना, ये हमारे शुद्ध प्रज्ञा है। फिर आप उस पर चिंतन करोगे कि मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना, क्या सही है क्या गलत है, पहले उस पर चिंतन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, एक्टिव, उसके ऊपर आप काम कीजिए। जब तक काम नहीं करेंगे किसी चीज़ पे, बहुत सारे वीडियो मत देखिए, कुछ चंद एक पॉइंट को देखिए, पहले उस एक पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। जब तक कि वो एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी में नहीं उतरता, अगला किसी पॉइंट को सुनने की तैयारी में उतरिए। क्या होता है, सुबह एक वीडियो देख लिया, दोपहर को भी, शाम को देख लिया, दूसरे दिन पूछो तीनों वीडियो याद नहीं। तो शायद याद करने का सबसे अच्छा तरीका तो हम स्कूल में सीखे थे, टीचर क्या कहती थी, बेटा लिखो, जो चीज़ मैं कहती हूँ वो लिखो। लिखने से क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, जब आप किसी चीज़ को सुनते हो और उसी वक्त उसको किताब पे उतारते हो, तो व्हाट आर यू एग्जैक्टली डूइंग, जो आप सुनते हो उसको पहले आप पूरे दिमाग के अंदर डालती हो। क्योंकि आप तब तक किसी चीज़ को नहीं लिख सकते जब तक कि आप उसको अपने दिमाग में पूरी तरह से डालते नहीं। यहाँ क्या होता है, जब आप सुनते हो तो आपने कुछ देर सुना, कुछ देर सुनने के बाद आपने क्या कहा, ओके, जब याद कुछ नहीं रहता, क्यों, क्योंकि वो ऊपरी आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ गया ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से जाके
सब कुछ आपके ऊपर ऊपर से निकल गया। अब जब आप किसी चीज़ को सुन के लिखने की कोशिश करते हो तो उसको एक ट्रैवल करना पड़ता है, उसको आपकी समझ के साथ गुजरना पड़ता है, वो समझ को आपके हाथों से होते हुए वो एनर्जी जो किताब पे जाती है तो उसको उस वक्त पूरी स्कैनिंग पे से निकलना पड़ता है। वो जब स्कैनिंग होती है उस वक्त आपके जाने अनजाने में वो सारी चीज़ आपकी डेटा में स्टोर हो जाती है। और अगर समझिए कि आपका सेमिनार पूरा हो गया, आपने वीडियो पूरा देख लिया, उसके बाद एक बार आपने जो लिखा है उसको खुद पढ़ लीजिए, जब आप उसको अपनी ज़बान से पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको वो याद रहेगा, याद रहेगा। तो याद रहने पे और कभी भी अपने दोस्त घर वालों से वो सुनने के बाद एक बार रिपीट करके उनको समझाइए। सुनेंगे लोग बोलेंगे पकाओ है, लेकिन पकाओ होना अच्छी बात है भाई, क्योंकि आपको तो याद रह जाता है और जो चीज़ याद रहती है वो धीरे धीरे आचरण में आ ही जाती है। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज सिखाया है कि मोटिवेशन कैसे याद रखते हैं और जीवन में कैसे उतारते हैं। आगे की कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कभी भी मेरे YouTube चैनल पे मेरे नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कभी मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में मिला हुआ है, आप देख लीजिए। मेरा नाम विजेंद्र मांडलिया, मेरी नई बुक आ रही है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, रिबूट ब्रेन्स। रिबूट ब्रेन्स आपके दिमाग के बत्तियाँ जला देगा।